कंप्यूटर देवता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं अंकित सक्सेना लेकर आया हूँ फिर से एक एमएस वर्ड की वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे एमएस वर्ड की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो फटाफट हमारे एमएस वर्ड के प्लेलिस्ट में जा करके हमारी पुरानी वीडियोस देख लें जो कि बहुत ही ज्ञान से भरी हुई और प्रैक्टिकली वीडियो हैं। तो चलिए आज के हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो कंप्यूटर देवता आज आपको एमएस वर्ड में थिसोरस के बारे में बताएंगे कि थिसोरस का यूज क्या होता है एमएस वर्ड में। तो वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आखिर क्या होता है थिसोरस। थिसोरस का मतलब हुआ आपका समानार्थी शब्द। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं या आप कोई भी डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं और अगर उस डॉक्यूमेंट में कोई भी शब्द आपने ऐसा लिखा जिसका आप चाहते हैं कि मैं ये देखूं कि इसका समानार्थी और शब्द क्या है या बिल्कुल इसके जैसा कोई और दूसरा शब्द कौन सा है, तब आप बिना डिक्शनरी का यूज किए थिसोरस का यूज करके भी आप ये काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं। मान के चलिए कि आपको यहाँ कंट्रोल की जगह कोई दूसरा शब्द यूज करना है। दूसरा शब्द यूज करना मतलब इसके समान अर्थ वाला कोई दूसरा शब्द यूज करना, इसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। आपको अब रिव्यू टैब पर क्लिक करना है और रिव्यू टैब पर क्लिक करके आप थिसोरस का यूज करके ये काम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जिस वर्ड का सिनोनिम्स मालूम करना है वहां आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मुझे कंट्रोल का थिसोरस यानी उसका सिनोनिम्स मालूम करना है तो मैंने यहाँ कंट्रोल पे क्लिक करा। मैं रिव्यू टैब पर क्लिक करूंगा। रिव्यू टैब पर जैसे ही क्लिक करा तो यहाँ पर प्रूफिंग टैब के जस्ट ऊपर यहाँ थिसोरस लिखा हुआ है। थिसोरस का शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F7 है। शिफ्ट प्लस F7 थिसोरस की शॉर्टकट की है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ जैसे ही मैंने कंट्रोल पे क्लिक करा और कंट्रोल पे क्लिक करके मैं रिव्यू टैब के थिसोरस पे जाकर के क्लिक करा, एक यहाँ पर एक पेन खुल कर आ गया जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी कंट्रोल वर्ड हमारा सेलेक्ट हो गया और यहाँ पर सर्च फॉर में ऑटोमेटिकली कंट्रोल लिखा हुआ आ गया। अब कंट्रोल से रिलेटेड वर्ड या कंट्रोल के सिमिलर वर्ड की लिस्ट यहाँ पर खुलकर आ गई। जी हाँ, कंट्रोल का जैसे मैनेज हो गया, मैनेज की जगह आप मैनेज, ऑर्गेनाइज, बी इन चार्ज ऑफ, रन, ये सारे शब्द यहाँ आप देख सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी शब्द इस्तेमाल करना है तो आपको उस शब्द के आगे क्लिक करना होगा। जैसे मान के चलिए अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे कंट्रोल की जगह अगर मुझे रन लिखना है तो मैं क्या काम करूँगा, तो यहाँ पर रन पर जब मैं अपना माउस का पॉइंटर लेकर आया तो आगे इस तरीके का एक साइन आ गया। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करते ही तीन ऑप्शन और खुल गए जो है इंसर्ट, दूसरा कॉपी और तीसरा हुकअप। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे ही मैं रन पर गया और यहाँ पर तीन वर्ड इंसर्ट, कॉपी और लुकअप जैसे ही आया तो अगर मैं इंसर्ट करूंगा तो इंसर्ट करते ही देखो क्या हुआ, इंसर्ट करते ही कंट्रोल की जगह रन हो गया। और इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मुझे कॉपी करना है तो ये शब्द कॉपी हो जाएगा और लुकअप करना है यानी इस शब्द के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मैं लुकअप भी कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ, थिसोरस एक समानार्थी शब्द को या फिर सिनोनिम्स को शो करता है। मोस्टली अगर आप किसी फाइल में काम कर रहे हैं
और आपको कुछ ऐसे शब्द लग रहे हैं जो आपको ठीक नहीं लग रहा है और आप ये चाहते हैं कि मैं उनकी जगह सेम शब्द वाले कोई दूसरे शब्द को यूज करूं, तब आप बिना डिक्शनरी का यूज किए थिसोरस का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आप मेरी इस वीडियो को समझ में आई है और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।